आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जब जब देश में आपत्ति आई तब तब ये खाके ने सहयोग करा है। कोविड में जब घरों से कोई निकल नहीं रहा था उस समय हम लोगों को आगे खड़ा करा गया फ्रंट में। कोविड खत्म होने के बाद हल्का हो गया, हम लोगों को घर बिठा दिया। ऐसी विडम्बना आ चुकी है कि पियाड़ी जवानों का यहाँ पे नाले के ऊपर सोना पड़ रहा है। 96 से आश्वासन ही मिल रहा है। हमारे साथ ऐसा हो रखा है जैसे डिस्पोजल नहीं होता है, उसको यूज किया और फिर फेंक दिया जाता है। कोविड टाइम पे ऐसे टाइम पे ड्यूटी करी है जिस टाइम पे हर बंदा अपनी सेफ्टी के साथ घर में रहना चाहता था। हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस समय ड्यूटी करी है कोविड में भी। कहीं तो हमारे साथ विधवा महिलाएं जिनके घर में कोई रोजगार का साधन नहीं है, तो सीधा सा ऑप्शन है फिर अपने बच्चे लेके सड़क पे बैठेंगे हमारे साथ। हमें 365 दिन रोजगार नहीं मिलता है। कुंभ में जो हमें 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए भेज दिया, उसके बाद घर बिठा दिया। तो ऐसे कोविड काल में जो है जवान शहीद हो रहे हैं, उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही है। हमें खाली वो आश्वासन दे के जो है उठाते हैं तो हम बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। जी हाँ, उत्तराखंड के समस्त पीआरडी प्रशिक्षित जवान यानी कि प्रांतीय रक्षक दल लगातार यहाँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून का ये दिल कहा जाता है। यहाँ से आगे आप देखेंगे तो यहाँ घंटा घर है और ये है गांधी पार्क, जहाँ पर अपनी मांगों को लेकर कई दिनों से पीआरडी के जो जवान हैं, प्रांतीय रक्षक दल के जवान, अपनी मांगों को लेकर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। उत्तराखंड का मौसम जो है सर्द हो चुका है और इन्हीं सर्द रातों में ये लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं। और यही वो सवाल है कि आखिरकार कब इनकी मांगों को सुना जाएगा और आखिरकार क्यों इनकी मांगों को हर बार अनदेखा किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और ये हम आपको बताएं कि इस वक्त जो है ये तमाम पीआरडी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार अपनी यही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कब इनकी मांग पूरी होगी। और दिन ही नहीं रात को भी ये यहीं पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ इनका सामान भी मौजूद है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार कब सरकार इनकी मांगों को सुनेगी। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्यों अनदेखी इनकी हर बार की जाती है। जी बताइए आपका नाम। तो मेरा नाम गोपाल सिंह तोमर है, हम कालसी ब्लॉक से हैं सर, हम पीआरडी वाले हैं। तो हमारी हम 29 तारीख से लेकर यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारे कुछ इतनी बड़ी मांग नहीं है कि हमें वो करो, हम सब अपना रोज़गार मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा हक बनता है। हमने ट्रेनिंग करी है, ये खाकी पहनी है। जब जब देश में आपत्ति आई तब तब ये खाकी ने सहयोग करा है। अभी कुंभ चल रहा था, कुंभ में हमें ज़रूरत पड़ी कि जवानों की ज़रूरत है, पीआरडी जवानों की ज़रूरत है, वहाँ पर तैनात कर दिया, हम चले गए। उसके बाद कोविड में जब घरों से कोई निकल नहीं रहा था उस समय हम लोगों को आगे खड़ा करा गया फ्रंट में। हम फ्रंट लाइन पे आगे आए, हम लोगों ने देश की रक्षा करी है। कोविड ख़त्म होने के बाद हल्का हो गया, हम लोगों को घर बिठा दिया। तो ऐसे में पीएम मोदी की बड़ी रैली यहाँ पर होती है तो आपको उम्मीद जगी थी कि अब तो सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए सर, पर कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो सबके दरवाजे खटखटा दिए, हमने रैलियाँ भी निकाल दी है, विधानसभा कूच भी किया, सीएम आवाज़ भी गए हैं और अपने जो मंत्री अरविंद पांडे जी उनकी आवाज़ भी गए हैं, तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। और सरकार में अनदेखी, सवाल यही कि आखिरकार कब तक अनदेखी होगी जी, यही है जी। आज चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका नाम? दिलावर सिंह। क्या कहना चाहेंगे कि हर बार जब नई सरकार आती है तो एक उम्मीद जगती है कि हाँ भाई इस बार हमारी जो है उम्मीदें जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी, लेकिन हर बार निराशा मिल रही है ना। तो कोई चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हर सरकार ने यही किया है कि पीआरडी वालों को एक साइड कर देते हैं। जब सरकार को लगता है कि अब कहीं हमारा काम नहीं चल रहा है तो पीआरडी वालों को आगे कर दिए, चाहे वो कोविड हो, कोई कैसी भी परिस्थिति हो, पीआरडी जवान हर जगह अपनी एक तन मन धन से अपनी ड्यूटी करता है। लेकिन पीआरडी वालों को आप देख रहे हो यहाँ पे नाले के ऊपर सोना के, आज ऐसा दिन आ चुका है, ऐसी विडम्बना आ चुकी है कि पीआरडी जवानों का यहाँ पे नाले के ऊपर सोना पड़ रहा है। पहले तो टेंट लगा था, अब टेंट भी हटवा दिया है। पर टेंट भी कोई नहीं, लेकिन हमारी मांगे पूरी तो करो, हमें ये टेंट नहीं चाहिए, हमें तो 365 दिन का रोजगार चाहिए, हम ये कल ही हटा देंगे, हमारी मांगे तो पूरी करो, बस हमारा यही कहना है सरकार से। लेकिन अब चुनावी मौसम भी आ गया है, चुनावी वादों का दौर भी चलेगा, आपको भी जो है आश्वासन दिया जाएगा, तो लगता है कि चुनावी दौरे हमें आश्वासन नहीं चाहिए। आश्वासन तो 96 से आश्वासन ही मिल रहा है और इससे आगे और कुछ नहीं मिल रहा है। हम तब तक अब यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती। मतलब आप कह रहे हैं आश्वासन
नहीं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा जी। हमारा आज से नहीं, 1990 से लड़के यहाँ धरने पर बैठे रहते हैं देहरादून में। हर साल आते हैं, धरने में बैठ जाते हैं। हमें आश्वासन मिलता है, जो भी सरकार होती है आश्वासन देती है, हम लोगों को उठा देती है, लेकिन इस बार हम आश्वासन से नहीं उठने वाले। लेकिन ये स्थिति तो हर बार होती है, जिस कि आप कहते हैं कि आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर सरकार की तरफ से कहा जाता है कि हम आपको जो है एक उम्मीद बंधाते हैं और आपकी जो है उम्मीद पूरी कर दी जाएगी, लेकिन इस बार क्या? इस बार ये हमें जियो जारी होगा, लागू हो जाएगा, तब जाकर हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे यहाँ से। ऐसे में कितनी संख्या है जवानों? अभी तो फिलहाल जनसंख्या ये है कि कल परसों थोड़ी कम हो गई थी, अब आज वापस आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, पौड़ी से आ रहे हैं, टीरी से आ रहे हैं, और जी अपने कालसी चक्रता ब्लॉक से उधर से आ रहे हैं। शाम तक 150-200 की जनसंख्या आसपास हो जाएगी लगभग। तो ऐसे में लगता नहीं कि जो मांगे आप कर रही हैं उससे इतने साल हो गए, ऐसे में घर परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा सर? कई बार हमें चुनाव में लाया जाता है, और आपके जो भी मतलब ऐसे इस समय आपदा आई थी, काराकोट में आपदा आई, वहाँ पे भी हमें कम से कम 25 किलोमीटर पैदल चलाए गए हैं। 10-10 किलो का जो मतलब वो है मटेरियल होता है, राशन पानी वो पहुँचाए गए हैं, फिर उसके बाद घर आके हमें ब्रेक कर देते हैं, फिर उसके बाद नहीं पूछती सरकार। हमारे साथ ऐसा हो रखा है जैसे डिस्पोजल नहीं होता, उसको यूज किया और फिर फेंक कर दिया जाता है, 2-3 महीने कुल वो दिया जाता है। ऐसे में आपकी प्रमुख मांगे क्या है जनाब? हमारी सर एक तो सबसे पहले 365 दिन है, और हमारा ढांचा अलग हो जाना चाहिए, महिला मंगल दल का युवक का अलग हो जाना चाहिए, प्रांतीय रक्षक दल अलग किया जाए, युवा कल्याण से सत्यापन होना चाहिए, सत्यापन होना चाहिए, और एक ऑनलाइन पोर्टल। हम तक 1990 सत्यापन नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं है जी, कोई सत्यापन नहीं है, अभी कोई पता नहीं है। अभी कोई चुनाव आएगा, पीआरडी वालों को पहले ही बुलाया जाएगा कि आओ, सरकार बोले कि आना है, फिर उसके बाद घर चले जाओ, फिर पूछते नहीं। सर मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी जो मांग है, हमें 365 दिन का रोज़गार है, उस चीज़ की मांग है हमारी, क्योंकि हमने कोविड टाइम पे ऐसे टाइम पे ड्यूटी करी है जिस टाइम पे हर बंदा अपनी सेफ्टी के साथ घर में रहना चाहता था, हम लोगों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस समय ड्यूटी करी है कोविड में भी। तो आज हमें सरकार ने हटा दिया है, गवर्नमेंट ने, हमारे विभाग ने हटा दिया हमें कि अब ड्यूटी नहीं है तुम्हारे लिए। 2 महीने हमने कोविड में ड्यूटी कर ली, 3 महीने जब हमारी ज़रूरत पड़ी यूज़ करा, अब हमारी ज़रूरत नहीं है ने तो हम फेंक दिया हमें। अब हम ऐसी जगह अपनी रात गुजार रहे हैं, हमारे छत के सिर के ऊपर छत नहीं है, एक टेंट हमने अपने लिए लगाया था रात के लिए धरना प्रदर्शन के लिए, वो भी हमारे से छीन लिया गया, तो हम ऐसी उसमें अपनी रातें गुजार रहे हैं। ऊपर से ओला पड़ रहा, बारिश हो रही, कुछ भी हो रहा, वो हम सब सहन कर रहे हैं। तो ऐसे में राजनीतिक दल कई बार क्या होता है, सहयोग करते हैं जो भी विपक्ष में पार्टी रहती है, तो कांग्रेस के कोई नेता आपसे मिलने आए या फिर वर्तमान सरकार के कोई मंत्री मिलने आए कि आपकी मांगों पर ध्यान दिया जाए, किसी तरह का कोई आश्वासन? हमसे सर कोई मिलने नहीं आया, और आश्वासन से काम भी चलेगा नहीं शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें ये लगता है कि आश्वासन हमें काफ़ी टाइम से मिलता गया है। हमारे जितने भी हमारे सीनियर जवान हैं हमसे, वो पहले भी धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, और हमें आश्वासन नहीं मिलता रहा, हमें आज तक हमारी मांग पूरी तरीके से नहीं हुई। अब इस टाइम जो हमारी मांगे है ये अगर कंप्लीट करती है सरकार, पूरी करती है, तो ठीक है, हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम ये सरकार के पास तो विकल्प कई हैं कि आप अगर कहते हैं कि हम काम पे नहीं लौटेंगे, तो सरकार के पास नई भर्ती का भी एक विकल्प है, जिसका नई भर्ती का विकल्प है सर, तो ऐसा है हम बेरोजगार होके हमने क्या करना है फिर, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ऐसा है सर, हमारे साथ जो देखोगे आप कहीं, तो हमारे साथ विधवा महिलाएँ हैं जिनके घर में कोई रोज़गार का साधन नहीं है, तो क्या करेंगे अपने बच्चों का, कहाँ से रोजगार करेंगे, उनका तो सीधा सा ऑप्शन है फिर अपने बच्चे लेके सड़क पे बैठेंगे हमारे साथ। इसलिए आप नई भर्ती का विरोध कर रहे हैं? नई भर्ती का भी विरोध कर रहे हैं? करना पड़ेगा सर, जब नई भर्ती का सर ऐसा है, इसमें कुछ जो फर्जी है, कई लोग ड्यूटियाँ भी करेंगे फर्जी उस पर कर रहे हैं, हम यहाँ बैठे आराम से, हमें कोई वो नहीं है, ड्यूटी नहीं मिल रही, कोविड में ड्यूटी मिली उस समय ड्यूटी दी, अब हटा दिया गया, तो यही चलता रहा हमारे साथ। ऐसे में आप कितने दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, और खाने पीने जो दिनचर्या होती है वो तो बिल्कुल ही आप सर बिल्कुल बिगड़ रही, सिर के ऊपर छत नहीं हो आप समझ सकते हो, जिसके सर के ऊपर छत नहीं है, ऊपर से बारिश सीधी हमारे सिर पे पड़ रही है, तो फिर वो तो आप समझ ही सकते हो कितने बुरी दशा में इस टाइम हम, कैसी हालत है हमारी। 29 नवंबर से आप यहाँ बैठे हुए हैं, और 29 नवंबर से सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई सुध नहीं ली गई, कोई सुविधा? यहाँ पे 70 विधायक हैं, 70 विधायक में से कोई भी विधायक सामने नहीं आया यहाँ पे, तो हम क्या आशा करेंगे इनसे, अभी इनके चुनाव आने हैं सामने, अभी बल्कि प्रत्येक ज़िले में जो लिस्टें आ गई है, प्रत्येक ब्लॉक से 70-80 जवान चाहिए। आपका नाम भी उसमें शामिल? हमारा नाम भी शामिल उसमें। हम क्या करेंगे इस बार, जो
जहाँ भी ड्यूटी लगेगी इस बार जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हम लोग तो नहीं जाएंगे और न किसी को आने देंगे। नहीं, आश्वासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सुभाष चंद्र जी की फौज है। 1935 में इसका गठन हुआ था और 1948 का एक्ट है इसका, और हमें पुलिस बी का दर्जा प्राप्त है। हमारा कोर्ट में भी चल रहा है केस भाई, कोर्ट में भी हमें दबा देते हैं। हम 60 देंगे तो 1,00,000 रुपये देंगे, हम 1,00,000 देंगे, 1,50,000 देंगे। ये हमारी मजबूरियों का जो फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन एक वर्दी से वर्दी को भिड़ना पड़ा। आप लोगों ने देखा होगा परसों, तो ये हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। आपको पता है कि वर्दी वाला कभी नीचे नहीं बैठ सकता है। हम नाले ऊपर सो रहे हैं, हमारे साथ तलाकशुदा विधवाएं हैं, छोटे बच्चे छोड़ के आ रखे लोग दूध पीने वाले हैं। तो देखो हम लोग बेहोश हो गए हैं इस पर। तो मजबूरी का एक तरीके से आप कह रहे हैं फ़ायदा उठाया जा रहा है, तो आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि आश्वासन से काम नहीं चलने वाला इस बार, और एक बात उन्होंने और कही कि मजबूरी का फ़ायदा जो है पिछले कई सालों दशकों से उठाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? लेकिन इस बार मन बना चुके हैं कि मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम इस बार जो है पूरा मन बना चुके हैं। हम जो है 9,500 पिहाड़ी कर्मी हैं जिनको जो है रोज़गार से वंचित किया जाता है। हमें 365 दिन रोज़गार नहीं मिलता है। हम जो है कभी 2 महीने, कभी 3 महीने या कभी 10-15 दिन साल में ड्यूटियाँ मिलती है। जैसे कि अभी कुंभ में था, कुंभ में जो हमें 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए भेज दिया, उसके बाद घर बिठा दिया। कोविड काल में हमने कुंभ में जो है ड्यूटी करी, जिस समय जो है कोई भी घर से बाहर आने में डरता था, उस समय भी हमने ड्यूटियाँ करी। हमारे तमाम जवानों ने जो है वहाँ ड्यूटियाँ करी। और उसके बाद कोविड काल में जो है ये क्या बोलते हैं लॉकडाउन लगा, तो पूरे लॉकडाउन में जो है जब कोई बाहर घर से बाहर आने में डरता था, तो उस समय जो है हमारे कोविड जवानों ने जो है कोविड में ड्यूटियाँ करी है। तो उसमें महिलाएं भी थी, विधवाएं महिलाएं भी थी, हमारे जवान भी थे। एक जवान हमारा जो है ये रायपुर में शहीद भी हुआ है, तो पंचम मनवाल, उन्हें भी जो है उतनी कोई सहायता नहीं दी गई है। मात्र 50,000 रुपये जो सरकार बोलती है कि पिहाड़ी जवान को जो है 50,000 रुपये दिया जाएगा, तो उससे कहाँ उनके घर का। देखो ऐसे कोविड काल में जो है जवान शहीद हो रहे हैं, उन्हें कोई सहायता नहीं दी जा रही है, और हमें भी ऐसा ही है। अब हम उसके बाद ऐसे कठिन परिस्थितियों में हमने ड्यूटियाँ करी है, उसके बाद कह रहे हैं कि तुम्हें अब रोज़गार नहीं है, तुम घर से में कहते हैं कि सीएम धामी सरकार की जो हम बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात को ऐसे ही हनसुना करेंगे तो इससे पहले भी सरकारें आई, हमने चलो हमें आश्वासन मिला, हमने आश्वासन लिया। अभी अगर ये सरकार जो है धामी की अभी बात करते हैं, तो उनसे जो है हमें उम्मीद है, उम्मीद थी, लेकिन अगर हम वो हमारे बात को नहीं सुनते हैं, अनसुनी करते हैं, हमें खाली वो आश्वासन दे के जो है उठाते हैं, तो हम बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम ही नहीं, जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हम तमाम जो 9,000 पीआरडी कर्मी हैं, हम सबको ये मैसेज देते हैं। और सबको पता है, ये नहीं है कि यहाँ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। सब हमारी जो है वार्ता होती है, सब ने जो है चुनाव के लिए बहिष्कार करने की बात की है कि हम सरकार को वोट नहीं देंगे। अगर हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम ही नहीं, हमारे पूरे परिवार, हमारे पूरे परिवार अब वो सोच रहे होंगे कि 9,000 पीआरडी कर्मी हैं, इनसे हमें अगर वोट नहीं भी देंगे तो कुछ तो देंगे ही, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा पूरा परिवार है, हमारी पूरी जो पूरे परिवार में जितने भी वोट होंगे कोई भी वोट नहीं देगा। इतना तो है ही कि अगर किसी का बेटा अगर ऐसे सड़क में बेरोजगार घूम रहा है और जो है अपने रोज़गार के लिए भीख मांग रहा है, और उससे उसकी बात को अनसुना कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तब यूज कर रहे हैं, तो वो क्यों वोट देंगे? ऐसे सरकार को क्यों वोट देंगे? क्यों उनकी बात को जो है सुनेंगे वो? और मैं जब जो है उन्हें ज़रूरत होती है तो वोट मांगने आएंगे। अभी चुनाव दौर है, अब हाथ जोड़ के जो है हर एक नेता जो है वोट मांगने आएगा, उस समय वो हाथ जोड़ के आते हैं और बाद में जो है अपना राजनीति चलाते हैं, अपना हक जमाते हैं, कोई किसी की सुनता नहीं है, बेरोज़गार छोड़ देते हैं बना के। हमें भर्ती करवा दिया, 2 दिन का रोज़गार दे दिया, और उसके बाद जो है जाओ घर जाओ। तो ऐसे में काम नहीं चलेगा, हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे चुनाव। ऐसे में किसी से उम्मीद मतलब अब खत्म हो चुकी है किसी भी राजनेता, तो किसी भी राजनीतिक दल? हमारे अभी विधानसभा सत्र है, विधानसभा सत्र के जितने भी विधायक है, 70 विधायक में से कोई भी अभी तक कोई ऐसा यहाँ नहीं आया हमारे बीच में कि कोई हमारी सुध लेने की भाई तुम्हें क्या, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, तो कोई भी हमारे बीच में नहीं आया है। हमें आश्वासन नहीं दिया गया कि भाई तुम हम तुम्हारी बात को जो है विधानसभा सत्र में रखेंगे या तुम्हारे बारे में कुछ। अभी कैबिनेट बैठक थी तो कोई भी हमारे कोई भी कुछ, हमने लेटर दिया है, हम अरविंद पांडे जी हमारे जो विभाग के जो मंत्री है उनसे भी मिलने गए, कई बार हम उनसे मिलने गए, उन्होंने पहले हमें जो है हम जब उनसे स्पेशली मिलने गए, हमारा डेलीगेशन गया, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 10 तारीख का, पिछले 10 तारीख का आश्वासन दिया था कि हम जो है सचिव से आपकी मीटिंग करवाएंगे, उनसे वार्ता करवाएंगे।
हमें जो है दिवाली के 10 तारीख को नहीं, दिवाली के बाद जो 10 तारीख को उन्होंने आश्वासन दिया था, नहीं बुलाया, मीटिंग नहीं करवाई। फिर 17-18 तारीख उन्होंने बात की थी, उस दिन भी गई, नहीं मिलाया। फिर हमें मजबूरन जो है ये कदम उठाना पड़ा, रोड पे बैठना पड़ा। कोई भी हम अगर ड्यूटी पे होते हैं वर्दी में, अगर कोई भी पुलिसकर्मी हो या कोई भी अगर वर्दी में जो है खाकी वर्दी में अगर ड्यूटी के दौरान अगर कोई सड़क के किनारे बैठा हुआ मिला या कहीं भी बैठा हुआ मिलता है तो हर एक आदमी उंगली उठाता है कि वर्दी में जो देखो जवान जो है वर्दी में कैसा बैठा हुआ है। हम बैठ नहीं सकते ड्यूटी के दौरान, हमने भी ड्यूटी की है, कुंभ में हमने ड्यूटी की है, तो हम बैठ नहीं सकते। और आज देखो कितनी दुर्दशा है हमारे प्रदेश की, कितनी दुर्दशा है कि खाकी वर्दी में जो है जवान ऐसे सड़कों में बैठा हुआ है, नाली पे बैठा हुआ है, और रात को जो है नाली पे गंदा नाला बह रहा है पीछे, इसके ऊपर रात गुजारनी पड़ रही है हमें, तो कुछ साथ में ये तो ये दुर्भाग्य वाली बात है कि हमारे देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए कि आज वर्दी एक गन्ने नाले के ऊपर सो रही है। एक बड़ी बात इन्होंने कही कि आज दशकों पुरानी ये मांग है और लगातार ये मांग उठाते रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये फेंकते हैं कि हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन उस आश्वासन पर जो है कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और ये कह रहे हैं इस बार तो ये मन बना चुके हैं कि इस बार आश्वासन से काम नहीं होगा और इन्हें कोई ठोस नतीजा चाहिए। वो सीधे कहते हैं कि हमारी जो मांग है उसका जियो निकलना चाहिए और हमारी मांगों को सरकार को सुनना चाहिए और एक बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो देखते हैं कि आखिरकार इनके इस धरने का आगे चलकर क्या होता है, सरकार इनकी बातों को मानती है नहीं मानती, ये भी आपको बताएंगे और बताते रहेंगे। पीआरडी जवानों से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और भी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, और ये सब खबरें जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा, और अगर खबरों को पढ़ना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल jaibharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया के तमाम ताज़ातरीन खबरें। फिलहाल गांधी पार्क के इस जगह से मुझे और मेरे कैमरामैन प्रदीप बिष्ट को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।